कुछ ही दिन पहले बोल्ट ने अपने Z40 Pro वाला वेरिएंट लॉन्च किया था। अभी इसका प्राइस 1500 रुपीज हो चुका है, बट आपको 1200-1300 में मिलता है Z40। तो अभी कौन सा आपको लेना चाहिए? क्या 200 रुपए बचा के आपको सेम चीजें मिलते हैं, या आप एडिशनल पे करके बेहतर फीचर ग्रैब कर सकते हैं? ये कंपैरिजन है बिटवीन Z40 Pro एंड Z40। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे को फॉलो कर लो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे फॉर बेस्ट डील ऑफ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पैकिंग देखेंगे तो पैकिंग में काफी चेंजेस हुए हैं। लाइक बोल्ट नॉर्मली सेम पैकिंग लगता है, बट ओवर द ईयर यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलते हैं। एक स्लाइडिंग केस मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट द थिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की इटसेल्फ। सो लुक, डिजाइन, शेप, साइज एंड डायमेंशन, दीज आर आइडेंटिकल। बट जो यहाँ पे आपको चेंज मिलता है Z40 में, मेटालिक के साथ मैट फिनिश का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। एंड लाइक सी इट्स लुक ओके, बट जहाँ पे 40 की बात, जहाँ पे हम 40 प्रो की बात करते भाई, तो ये आपको रबरी टेक्सचर में मिलता है, जिसका एक डायरेक्ट एडवांटेज ये होता है भाई, जो फील आती है, जो टच आती है इसकी, वो थोड़ी सी बेटर साइड आती है, एक इम्प्रूव वर्जन दिखता है। सेकेंड चीज जो यहाँ पे स्क्रैचेज आएंगे, या फिर ये जितना गंदा दिखेगा एटलीस्ट Z40 से वो कम होगा, मीन बिकॉज ऑफ द रबरी टेक्सचर, रबरी बिल्ट, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। एंड लुक एंड डिजाइन में कलर कॉम्बिनेशन भी Z40 Pro का यहाँ पे मेरे को बेटर लगता है। सो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं अबाउट द कलर एंड अदर थिंग, बट बिल्ट इज सुपीरियर है। अब आप लोग पूछेंगे भाई क्या ईयर फिटिंग सेम है? सर जैसे मैंने बताया, डायमेंशन एंड इवन दो इनका सेप साइज एग्जैक्टली सेम है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ईयरबड्स मैंने लिए हैं, एग्जैक्टली सेम आपको मिलता है। इवन तो आप अगर प्रो वाले वेरिएंट को नॉर्मल वेरिएंट में प्लेस करते तो वो आपका सिंपली हो जाएगा, तो इस टाइप से आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये तो बिल्ड क्वालिटी में। अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, तो ओवर द ईयर कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं। लाइक नॉर्मल वेरिएंट या 40 में आपको मिलता है 5.2 की कनेक्टिविटी, लेटेस्ट में 5.3 यहाँ पे अवेलेबल है। ड्राइवर साइज सेम है, कई जगह पे बोल्ट ने पहले 13mm लिखा था, बट दोनों में ड्राइवर साइज इज एग्जैक्टली सेम, 10mm आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलते हैं। IPX5 रेटिंग दोनों में देखने मिल जाएगी, ENC का सपोर्ट है, लो लेटेंसी भी दोनों में, बट चीजें चेंज हुई हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 60ms मिलता था, इसमें उसको और कम कर दिया, 45 और 40ms के अराउंड यहाँ पे लेटेंसी आपको देखने मिलता है, मतलब एक लैग फ्री गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। Z40 में आपको 60 आवर का बैटरी बैकअप मिलता था, जो कि यार मतलब काफी मैसिव था, बट 40 प्रो में वो और इम्प्रूव करके आपको यहाँ पे मिलता है 100 आवर का बैटरी बैकअप, जो कि सिंगल टाइम चार्जिंग में आप अराउंड 6 से 8 घंटा क्लेम कर सकते हैं। मतलब चीजें तो चेंज हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, 200 रुपये आप अगर पे करेंगे डेफिनेटली आपको वो वैल्यू मिलने वाली है। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, वो है इसका माइक्रोफोन परफॉर्मेंस। पहले मिलता था डुअल, अब मिलता है क्वाड माइक्रोफोन विद ENC, तो आउटडोर कूलिंग एक्सपीरियंस या इंडोर जो भी है वो आपको बेटर वर्जन देखने मिलेगा, एक इंप्रूव वर्जन आपको देखने मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे मैं क्लिप भी ऐड कर देता हूँ भाई, एक आइडिया लग जाए लेटेस्ट प्रोडक्ट का कैसा माइक्रोफोन परफॉर्मेंस आपको मिलते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई, ये Z40 Pro का माइक्रोफोन आपको मिल जाता है अगर आप आउटडोर कंडीशन में चेक करते हैं। एंड बोल्ट ऑडियो की ओर से ये फोन जो है क्वाड माइक्रोफोन सेटअप के साथ आते हैं, डुअल मास्टर मिल जाता है, वो बेटर कॉलिंग एंड आपको लाइक ENC तो मिलता है बेसिकली, जो कि नॉइस को काफी हद तक कैंसिल कर देता है एंड सामने वाले को एक बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो गाइस ये जो चीजें हमने डिस्कस की वो चीजें डिस्कस की लाइक ऑन द पेपर या फिर जो मेनली डिफरेंस थे, बट जो मेन डिफरेंस यहाँ पे मैटर करता है वो मैटर करता है साउंड क्वालिटी। एंड जैसे कि आपने ऑलरेडी चेक कर लिया, 10mm के ड्राइवर दोनों के दोनों डिवाइस कंटेन करते हैं, बट कौन सा बेटर ऑप्टिमाइज है, कौन सा बेटर आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करके दे सकता है। सो आई फील गाइस 40 प्रो में जो म्यूजिक है ट्यून्ड थोड़ा सा बेटर हुआ है, बिकॉज ये लेटेस्ट वेरियंट है एंड कुछ चीजें लाइक बाई द टाइम चेंज होती रहती है। सो यहाँ पे आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बेटर मिलता है। लाइक 19-21 का डिफरेंस से ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं फाइंड आउट होगा, बट या दिस इज बेटर। सो कंसिडरिंग द करंट प्राइस 1300 and 1500 रुपीज, तो अभी आ रही है सेल, लाइक आज ऑलरेडी 5 है, 2 दिन बाद सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सा आपको लेना चाहिए भाई? तो Z40 आपको मिलेगा करीबन 1000 का एंड ये आपको 1200 रुपीज का मिलेगा, तो इस बजट में आपको 40 प्रो मिल सकता है। मतलब ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी या फिर बजट में आपको अच्छी डील मिल जाती है, तो आप डेफिनेटली Z40 प्रो के लिए जाएंगे एंड 40 को आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। तो गाइस ये तो था इस वीडियो के लिए, आई होप मैं कम टाइम में बेटर एक्सप्लेनेशन आपको दे पाया। इनकेस आपको वीडियो पसंद आए
कमेंट कर दो, नहीं पसंद आया रीजन बता दो, फीडबैक शेयर कर दो ताकि हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।